draw a line segment of 8 cm divided in the ratio आपको पता है हाउ टू चेक
कहती है आंसर इज राइट और रॉन्ग. टोटल पार्ट एपी तक कितने हैं? टू है आउट ऑफ 2 + 3. यहाँ पे 2 आर्क्स है, वहां पे 3 है. टोटल रेशो कितनी है? 2 + 3 5. सो 2 out of 5. लेकिन टोटल लेंथ कितनी है? एबी 8. सो कट करके कितना आ जाएगा? 3.8 और 5 को कट करके कितना आ जाएगा? 1.6. 16 5 आई थी ना? क्लियर. So 1.6 into 2, 3.2. Check करिए कितनी वैल्यू आ रही है. इतने राइट का राइट है बिल्कुल 3.2. So 3.2 is the right answer. आपको इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि इसको मेजरमेंट करना आप, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैथ में क्या है. पीपी फॉर पर में है. नेक्स्ट इज क्या है आपकी इसके? जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन में क्या लेना हमने? पहले तो हमने क्या किया था? पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी, किसी बनी है तो इसमें भी पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. क्लियर. तो इन ट्रायंगल ए ए टू बी एंड ट्रायंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग इज द पॉइंट क्या है? बी. बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी बी पी एंड बी थ्री. What is there? ये दोनों एंगल 1 = 2. कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. उसके बाद ये वाला एंगल ए ए पॉइंट पे है और ये एंगल बी, बोथ आर इक्वल. लेकिन इक्वल क्यों है? तो हमने बनाया है ना इक्वल. दीज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल by construction. So by a of similarity, triangle A A to B is similar to triangle B P B 3. कौन सी condition? A A. Two angles equal show कर दिए हमने. तो ये दोनों triangles क्या हुए? Similar. अगर ये similar है तो sides proportional. AP over PB, which implies AP over PB is equal to. कौन सी साइड का पता आपको? इसका तो हमें नहीं पता ना. किसका पता है? ये टू रेशियोज है. अगर ये x plus x 2x है तो ये x plus x plus x 3x. So what is the ratio? It is A A2 over B B3. B3, which implies AP over PB is equal to 2/3. So ratio AP ratio PB is equal to कितना होगा? 2:3. Hence justified. Okay. Here instead of B2 क्या आएगा? BB3. Yeah. To exercise question number 1. What is you are asked to draw? Draw a circle of radius 6 cm. I think you all know how to draw a circle of radius 6 cm. What up a draw for you? Radius 6 cm. You can draw a circle of radius 6 cm. Center is the mark. Center is O. From a point 10 cm away from its center. Center से कितने distance? 10 cm. कहीं पे भी ले सकते हैं. तो center अगर ये है O से लेके A तक आपने कितना लेना है? 10 cm. Already कितना है? 6. तो 6 से आगे 4 cm और. Here, let this point be A. Now the distance OA is 10 cm. Taken? Construct a pair of tangent to the circle and measure their length. यहाँ से आपने tangent draw करना है circle पे. अब circle की एक property सबको पता होनी चाहिए. अगर आपके पास ये circle है और इसका diameter है, ठीक है,
डायमीटर सर्कल पे कहीं पे भी 90 डिग्री का। और सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास एक सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस है यहाँ से कोई लाइन अगर इसको टच करती है इस पॉइंट पे, तो बोथ विल बी परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली चीज क्या है, टेंजेंट है, वो लाइन टेंजेंट हो गई। क्लियर? ये दो कौन से अभी हम यूज करें इसका? अब आपने पॉइंट ए ले लिया, अब आपको OA डायमीटर ऑफ सर्कल बनाना है। OA, consider OA as the diameter of center. How to find center? Perpendicular bisector. ये OA है? Yes. अगर ये diameter circle का बन जाए, तो circle का उसका diameter का center कैसे find out करते हैं? Circle का यहाँ पे होगा कैसे? Opening half से ज़्यादा होगा। ठीक है? One arc above, below, यहाँ पे रखा, एक arc ऊपर, एक नीचे। अब इन दोनों को join कर दो। ये जो लाइन सेगमेंट लाइन है ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो यू हैव गॉट दिस पॉइंट लाइक इट बी बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेंटर हो गया, सेंटर बी मिल गया आपको। नाउ कंप्लीट द सर्कल। अगर हम ये सेंटर बी ले लेते हैं और रेडियस जितना ए बी होगा उतना ही ओ बी होगा, यहां से आपने एक सर्कल कंप्लीट करना है। ओके, ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा। ओके, नाउ यू गॉट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दोनों सर्कल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मार्क दोज पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर दिया सी, दिस पॉइंट, और ये वाला पॉइंट लेट इट बी डी। ज्वाइन ए सी एंड ए, स्केल के साथ आपने ए सी और ए बी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड द टेंजेंट। हियर ए सी एंड ए बी आर टेंजेंट्स। सर्कल्स फ्रॉम पॉइंट ए, कौन से सर्कल के टेंजेंट है? जो फर्स्ट सर्कल बड़ा सर्कल है उसके टेंजेंट है। फिर क्या करना पड़ेगा? जस्टिफिकेशन। क्या करें? जस्टिफिकेशन में ज्वाइन ओसी एंड ओडी दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये ओसी एंड ओडी क्या है? दीज आर द रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल, इज इट? यस। और ये एसी जो है ये क्या है? टेंजेंट है। आपने प्रूव करना है ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट होगा तो ये एंगल कितना होना चाहिए? और ये भी कितना होना चाहिए? 90। अब कम इन सेकंड सर्कल जिसका डायमीटर क्या है? OA है। उसमें OA डायमीटर होगा। सो हियर OA इज डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल। जो हमने दूसरा सर्कल बनाया OA उसका डायमीटर है। एंड एंगल ACO, एंगल ACO विल बी 90 डिग्री, इज इट और नॉट? एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल। डायमीटर जो है वो सर्कल पे कहीं पे भी, अगर ये सर्कल है इसका डायमीटर है तो वो कहीं पे भी कितने का एंगल बनाता है? 90 का। कहीं पे मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर होना चाहिए। तो ये एंगल 90 होगा। सिमिलरली दिस एंगल सेकंड कौन सा होगा? ADO, एंगल ADO, दैट विल आल्सो बी 90 डिग्री।
दोनों एंगल 90-90 हो गए। अब ये जो लाइन है एसी, सी पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को, एक ही पॉइंट पे टच करती है। अगर आप इसको एक्सटेंड भी कर देते हो, एक्सटेंड करने के बाद आप देख सकते हो कहीं और ये इसको कट नहीं कर रही, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और OC इज परपेंडिकुलर टू AC, विच इंप्लाइज OC इज परपेंडिकुलर टू AC एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AD। ये जो फर्स्ट रेडियस है फर्स्ट लाइन के AC के परपेंडिकुलर है और जो सेकंड रेडियस है वो AD के परपेंडिकुलर है। इट मींस AC एंड AD क्या है, विच इंप्लाइज AC एंड AD आर tangents to first circle clear yeah, कितने डिस्टेंस पे ओ ए कितना लिया आपने 10 सेंटीमीटर ठीक है एट द डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर जो है पॉइंट ए जो है ए सी एंड ए डी आर टेंजेंट्स टू फर्स्ट सर्कल ठीक है और उसमें पॉइंट ए जो है वो क्या है वेयर ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर किससे फ्रॉम सेंटर
मैंने ए ले लिया और इसको एल ले लिया, ठीक है। सो टेंजेंट्स फ्रॉम पी आर पी एक्स एंड पी वाई एंड टेंजेंट्स फ्रॉम क्यू आर क्यू ए एंड क्यू एल, ओके। अब है जस्टिफिकेशन, हर एक क्वेश्चन में आपको जस्टिफिकेशन के लिए बोला है। ये जो फर्स्ट सर्कल का सेंटर है उसको आपने ज्वाइन कर दिया कहाँ, एक्स वाई एल और के के साथ, तो आपके पास फोर रेडियाई हो गए, ओ एक्स ओ वाई ओ एल एंड ओ के, इज इट, एक ही सर्कल के फोर रेडियाई। ये जो फर्स्ट सर्कल है, ये वाला सेकंड सर्कल और ये वाला थर्ड सर्कल। नाउ इन सर्कल वन, ये जो आपके पास ओ पी है वो रेडियस है, सर्कल टू, सेकेंड सर्कल में ये डायमीटर है, इज इट। और आपके पास ओ एक्स इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, लेकिन एंगल मेड बाय द डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है एंगल ओ एक्स पी विल बी 90। सिमिलरली हियर लोअर एंगल ओ वाई पी दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्लियर। अब ये दोनों लाइन्स जो है ओ एक्स सॉरी पी एक्स एंड पी वाई, जो सर्कल वन है उसको एक ही पॉइंट पे एक्स और वाई पे टच कर रही है, क्लियर। सो हियर PX and PY touch the circle 1 at exactly 1 point. कौन सा पॉइंट है, एक्स एंड वाई। देयरफॉर अब ये जो लाइंस है परपेंडिकुलर होगी किसके, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू एंड ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू पी एक्स, ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू पी वाई। ओ एक्स एंड ओ वाई क्या है, रेडियाई। ओ एक्स एंड ओ वाई आर रेडियाई ऑफ सर्कल वन, सर्कल वन विच इम्प्लाइज अगर ये रेडियाई है और परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट है एक ही पॉइंट पे टच करा तो वो क्या हुए, टेंजेंट हुए, विच इम्प्लाइज पी एक्स एंड पी वाई आर टेंजेंट्स, ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही जस्टिफिकेशन इसके लिए होगी सेकेंड के लिए। सिमिलरली OQ is diameter of circle number 3. Because it is diameter, ये वाले angles कितने हुए? Angle Q KO is equal to angle QLO each will be 90 degrees. Clear? As it implies, OK is perpendicular to QK and OL is also perpendicular to, ये वाला किसके perpendicular हो गया, QL के, which implies अब यहाँ में QK and QL are tangents as OK and OL are radii of सर्कल नंबर 1, सो हैज जस्टिफाइड।